विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 CBSE सिलेबस के आधार पर का वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्लास 12 थ्योरी में कुल 6 चैप्टर हैं और एक प्रैक्टिकल है। चैप्टर 2 मशीन ड्राइंग, ए ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स, फ्री हैंड स्केचेस ऑफ मशीन पार्ट। इन फ्री हैंड स्केचेस ऑफ मशीन पार्ट द स्टूडेंट मस्ट डू द ड्राइंग विदाउट द यूज ऑफ स्केल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। अप्रोप्रिएट मेजरमेंट इज टेकन एंड कॉरस्पॉन्डिंगली ए टेबल फॉर ईच फिगर मस्ट बी मेड शोइंग कैलकुलेटेड वैल्यू। द फिगर मस्ट बी शो द डायमेंशन इन द टर्म ऑफ डायमीटर डी। स्टड, स्टड एक सिलेंड्रिकल पीस है जिसके दोनों एंड में थ्रेड होते हैं। एक एंड को नट नट साइड बोलते हैं, दूसरे को मेटल एंड बोलते हैं। बीच का पोर्शन कई कई बार प्लेन होता है, कॉलर होता है या स्क्वायर होता है। आपके कोर्स में 3 तरह के स्टड है। पहला प्लेन स्टड, स्टड विद द स्क्वायर नेक, स्टड विद द कॉलर। एग्जाम्पल नंबर 1, स्केच फ्री हैंड फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ए प्लेन स्टड ऑफ डायमीटर 20 mm कीपिंग इट्स एक्सिस वर्टिकल। इसमें सर्वप्रथम हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें डायमीटर 20 के हिसाब से टेबल कंप्लीट होगा। उसके बाद एक सेंटर लाइन वाला वर्टिकल लाइन खींचेंगे, उसके बाद पैरेलल में वर्टिकल 2 लाइन ड्रा करेंगे। इसके टॉप बॉटम में जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायमेंशंस हैं वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ये रूट वाला लाइन जो थ्रेड का रूट होता है, वो वाला लाइन जो हमें क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए इसको हम लाइट कलर में बनाते हैं। और इनके चैम्फर टॉप में और बॉटम में चैम्फर कर देते हैं इसलिए कि किसी के हाथ पर ना लगे। और हम यहाँ पर नट एंड साइड 2D+6 होता है, बीच का लेंथ कोई भी होता है, और मेटल एंड साइड D2 1.5D होता है। यह फ्रंट भी कंप्लीट हुआ। अब टॉप व्यू, टॉप व्यू में यह बाहर वाला साइड सर्कल हमने इस तरह से बनाया, अंदर वाला जो रूट वाला है इसको इधर से बनाया, 1/4 हम इसका छोड़ देते हैं। क्योंकि जब फर्स्ट थ्रेड और सेकंड थ्रेड के बीच में जब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्रेड टू, तो हम अगर ऊपर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये इतना पार्ट छूटा हुआ है, इसलिए उसको सिंबॉलिक तरीके से हमें छोड़ देते हैं। टॉप व्यू कंप्लीट हुआ, इस तरह से प्लेन स्टड का फ्री हैंड ड्राइंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, स्केच फ्री हैंड द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ए स्टड विथ स्क्वायर नेक ऑफ डायमीटर 20 mm कीपिंग इट्स एक्सिस वर्टिकल। सर्वप्रथम हम टेबल ड्रा करेंगे जिसका डायमीटर 20 के हिसाब से रहेगा, उसके बाद हम एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा करेंगे, इसके पैरेलल में 2 लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह से हम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको कंप्लीट करेंगे। यह पार्ट स्क्वायर नेक है इसलिए इसका यह पोर्शन स्क्वायर बनाते हैं। इसके रूट वाला लाइन और यह चैम्फर कर दिए, करने के बाद यह इसके डायमेंशन नट एंड साइड 2D+6 ये डी रहेगा, और ये मेटल एंड साइड D2 1.5D रहेगा। यह फ्रंट भी हुआ, इसका टॉप भी इस तरह से हमने बनाया। यह स्क्वायर फेस इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह स्क्वायर को टॉप देखने से इसी तरह का दिखता है। यह टॉप भी कंप्लीट हुआ। इस तरह स्टड विद स्क्वायर नेट का फ्री हैंड ड्राइंग, इसमें इंस्ट्रूमेंट का हम कहीं भी उपयोग नहीं करते हैं, कंप्लीट हुआ। मशीन स्क्रू, मशीन स्क्रू एक ऐसा स्क्रू जिस पर एक हेड रहता है, हेड रहता है, हेड से ही इसके नाम को हम बताया करते हैं, और टेल एंड में थ्रेडेड रहता है जो किसी भी थ्रेडेड बॉडी में टाइट होता है। आपके कोर्स के हिसाब से राउंड कप हेड, चीज हेड, काउंटर सैंक हेड या ग्रब स्क्रू है। एग्जाम्पल, स्केच फ्री हैंड द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ राउंडेड कप हेड स्क्रू ऑफ M20 कीपिंग इट्स एक्सिस वर्टिकल गिव स्टैंडर्ड डायमेंशन। सर्वप्रथम इसका हम चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाने के बाद वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, इसके बाद इसका वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके इस तरह से यह रूट वाला लाइन को हम लाइट कलर में बनाएंगे और यह चैम्फर बनाएंगे, इसके बाद यह थ्रेड को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के इसके हेड को हम ड्रा करेंगे। यहाँ बता देने योग्य बात ये है कि अगर यह इंस्ट्रूमेंट से हम बनाते तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.8D लेते, इस पॉइंट से यहाँ तक 0.9D मेजर करते, मेजर करके यह हेड को हम कर्ड बनाते, परंतु यह फ्री हैंड ड्राइंग है, अतः यहाँ से यहाँ हम बनाने के बाद 0.8D सिर्फ लिखा करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के कर्ड बनाने के बाद इसको
हम 0.9 डी रेडियस लिखेंगे। यहाँ एक और बता देने योग्य बात है कि टॉप व्यू में या जो सिलेंड्रिकल या जो कर्व पाथ दिखेगा उसका हम सर्कल हमने ड्रॉ किया, फिर जिसका और इसका हमने डैश डैश में ड्रॉ किया, अगर यह हम ओरिजिनल या एक्चुअल टॉप व्यू बनाते तो इसमें ये ग्रू है उसको हम यहाँ पर इस तरह से वर्टिकल लाइन से शो करते, परंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसको हम इस तरह से ना दिखा के सदैव क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड के बीच में इस तरह से इंक्लाइन लाइन से दिखाया करते हैं। और यह इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस तरह से टॉप व्यू हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर इसका एक्चुअल ड्राइंग हम बनाते तो यह ऐसा वर्टिकल दिखता, परंतु इसको हम सदैव रिप्रेजेंट ही करते हैं। इस तरह से राउंडेड कप हेड स्क्रू का फ्री हैंड ड्राइंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, स्केच फ्री हैंड द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ चीज हेड स्क्रू ऑफ साइज M20 कीपिंग इट्स एक्सिस वर्टिकल गिव स्टैंडर्ड डायमेंशन। सर्वप्रथम हम चार्ट बनाएंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के वर्टिकल लाइन खींचकर इस तरह से हम रूट वाले लाइन को हल्का इसके तुलना में हल्का लाइन ड्रा करते हैं। चैम्फर बनाएंगे, ये थ्रेड के एंड को कंप्लीट करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना के इसके हेड को चीज हेड रूप में बनाएंगे और फिर इसके डायमेंशंस के आधार पर हम टॉप व्यू ड्रा करेंगे। यहाँ फिर बता देने योग्य बात है कि यह ग्रू को हम एक्चुअल में ऐसा दिखाना चाहिए परंतु दिखाते नहीं हैं, हम इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यह SP 46/2003 के नॉर्म्स के हिसाब से है, अतः यह टॉप व्यू कंप्लीट हुआ, चीज हेड स्क्रू का फ्री हैंड ड्राइंग कंप्लीट हुआ। रिविट हेड्स, ये रिविट इज ए स्मॉल सिलेंड्रिकल पीस ऑफ मेटल हैविंग ए हेड बॉडी एंड ए टेल, व्हाइल एडजॉइनिंग टू पार्ट द टेल इज मेड इनटू द फॉर्म ऑफ हेड। द कॉमनली यूज टाइप ऑफ द रिविट हेड्स आर शोन इन फिगर, स्नैप हेड, पैन हेड, 60 डिग्री काउंटरसैंक हेड एंड फ्लैट हेड। एग्जाम्पल, स्केच फ्री हैंड द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ स्नैप हेड रिविट ऑफ डायमीटर 20 mm कीपिंग इट्स एक्सिस वर्टिकल गिव स्टैंडर्ड एम एम। सर्वप्रथम इसका हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद वर्टिकल लाइन खींचेंगे, सेंटर लाइन, फिर वर्टिकल लाइन खींच के इस तरह से हम फ्री हैंड बनाते हैं। यहाँ एक बता देने योग्य बात और है कि इसका क्या सिलेंड्रिकल पार्ट का एंड नहीं है, डिफाइन नहीं है, इसीलिए इसको हम ब्रेकिंग मान करके इसका ब्रेकिंग इस तरह का सिंबल होता है से शो कर देते हैं। और अगर विथ इंस्ट्रूमेंट बनाना रहता तो यहाँ से यहाँ तक का हम मार्क कर यहाँ से यहाँ तक 0.8 डी स्केल से मार्क करते और फिर इस तरह से हम कर्व बनाते, परंतु यह फ्री हैंड ड्राइंग है, अतः यह स्केच फ्री हैंड बनाने के बाद हम यहाँ से सिर्फ लिखेंगे कि यह रेडियस R=0.8 डी है और ये हाइट 0.7 डी है। इसका टॉप व्यू या कर्व पाथ का सर्कल यह दिखेगा और यह सिलेंड्रिकल पार्ट का डैश डैश के रूप में दिखेगा। इस तरह से स्नैप हेड रिविट का फ्री हैंड ड्राइंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, स्केच फ्री हैंड द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ए पैन हेड रिविट ऑफ डायमीटर 20 mm कीपिंग इट्स एक्सिस वर्टिकल गिव स्टैंडर्ड डायमेंशंस। पहले हमने चार्ट बनाया, चार्ट बनाने के बाद एक सेंटर लाइन वर्टिकल खींचा, फिर इसके पैरेलल दो लाइन ड्रॉ किया, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के इसके हेड को हमने बनाया। हेड बनाने के बाद यह टेल एंड का डिफाइन नहीं है कि कितना लेंथ रहेगा, अगर इसके इसको हम ब्रेकिंग के रूप में हम दिखाते हैं, ब्रेकिंग का सिंबॉलिक इस तरह से हम दिखाते हैं, और इसके डायमेंशन के हिसाब से यह टॉप व्यू है, इसका फ्रंट व्यू है, इसका टॉप व्यू इस तरह से बना, इस डायमेंशन 1.6 डी का सर्कल यह है और 5 डी का सर्कल यह है। इस तरह से टॉप व्यू कंप्लीट हुआ स्नैप हेड रिविट का।